Dear students, welcome to the classes of our academy. We are studying accounting for partnership firms, and presently we are doing the chapter on change in profit sharing ratio among the existing partners. Jo partner the Hari Kunal Uma, unka ratio 5:3:2 tha. Unka ratio ho gaya 2:5:3. To iske liye kya entries hoga? Question padho achhi tarah. Hari, Kunal and Uma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Yes, first sentence है. इसके बाद ratio change हो गया, 2:5:3 हो गया. Balance sheet में 75,000 profit and loss account है, का balance है. उसको हम old ratio में transfer कर देते हैं. और बैलेंस शीट में 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, फोर्थ लाइन फोर्थ सेंटेंस. और एडजस्टमेंट सेकंड में लिखा है इन्वेस्टमेंट 50,000 का 35,000 रिवैल्यू हो गया, वैल्यू हो गया उसका 35, तो 15,000 घट गया 50 से 35. और ऑलरेडी बैलेंस शीट में 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो उसी से वो रिवैल्यू हो जाएगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा. वो जो 15,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया, दैट विल बी एडजस्टेड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट. देन थर्ड वन इज द स्टॉक हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. 50,000 का स्टॉक डेप्रिसिएट होगा, 5,000 होगा, वो 5,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद वर्किंग नोट फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल. यहां पे गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, ये फर्स्ट पार्ट में. तो वर्किंग नोट पहले बनाया, इसमें ओल्ड रेशियो ऑफ हरि कुणाल उमा 5:3:2 है. रेशियो चेंज हो गया, न्यू रेशियो ऑफ हरि कुणाल उमा 2:3:5. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Hari's sacrifice 5/10 minus 2/10, LCM होगा 10. Then 5 minus 2 is equal to 3/10. Kunal का sacrifice होगा 3/10 minus 5/10, LCM होगा 10. 3 minus 5 minus 2/10. ये होगा हरी सैक्रिफाइस, कुणाल सैक्रिफाइस. देन उमा सैक्रिफाइस होगा 2/10 माइनस 3/10, एलसीएम 10, दैट इज 2 - 3 माइनस 1/10. तो सैक्रिफाइस हो रहा है हरी का 3/10, गेन हो रहा है कुणाल और उमा दोनों को मिला के 2/10 एंड 1/10 माइनस 3/10, प्लस 3/10 इसका सैक्रिफाइस, माइनस 3/10 इन दोनों का गेन. तो जर्नल एंट्री जो गुडविल का होगा वो होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और बाकी सारे एंट्री ओल्ड रेशियो में होगा. हियर ओल्ड रेशियो इज 5:3:2. खाली गुडविल के लिए होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू हरीश कैपिटल अकाउंट. गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, गुडविल जो 3 लाख दे रखा है, 3 लाख का 2/10, 1/10, 3/10. दिस इज ऑल अबाउट. मैं अगर ये गुडविल का ट्रीटमेंट के बारे में कुछ आपको एडिशनली समझाऊं, इट विल बी मच बेटर. नाउ यू कैन सी गुडविल ऑफ द फार्म इज ₹3 लाख. नाउ ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. Then Kunal will transfer or give for goodwill 3 lakh ka 2 by 10, it will be 60,000. 3 lakh ka 2 by 10, so 3 lakh is the goodwill of the firm, aur iska 2 by 10 mil, Kunal sacrifice kar raha hai, gain kar raha hai, to Kunal ko dena padega. To Kunal's capital account debited 60,000. Then Uma's capital account debited 1/10. Ye dekha Kunal ka ye tha और उमा का ये है, उमा का ये है, ये दिस 3 लाख का 1/10 30,000. तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 60 30
टू हरीज कैप लगाओ, हरी इज सैक्रिफाइसिंग, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो इट इज 90,000. द जर्नल एंट्री इज लाइक दिस, कुनाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 60,000, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000, टू हरीज कैपिटल अकाउंट 90,000. दिस इज द ट्रेंड ऑफ योर जर्नल. कुनाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 60,000, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000, टू हरीज कैपिटल अकाउंट. देन योर फेयर नोट्स, मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना यहाँ पे फेयर नोट्स. योर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, फर्स्ट जर्नल एंट्री इज रिगार्डिंग गुडविल, जो अभी भी बोल रहा था. यहाँ पे ईयर लिखो, अप्रैल फर्स्ट, एंड दिस इज फर्स्ट एंट्री. कुनाल्स, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कुनाल गेन कर रहा है. कुनाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000, टू हरीश कैपिटल अकाउंट 3,00,000 का 2/10, 1/10 एंड 3/10. बीइंग एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एंट्री हो गया. देन नेक्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 15,000 रुपए दिया है, ये आपके थर्ड लाइन ऑफ द फ्रॉम द बिगिनिंग. और सेकेंड लाइन में बता रहे, सेकेंड एडजस्टमेंट में बता रहा है, द इन्वेस्टमेंट्स हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 50,000 वेयर वैल्यूड एट 35,000. 50,000 का इन्वेस्टमेंट 35,000 वैल्यूएशन, 50 का 35 हो गया तो 15,000 घट गया. डिक्रीज इन द जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो रिवैल्यूएशन के 2 में आता है. इट शुड हैव बीन लाइक दिस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000. बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इसी से 15,000 कटेगा. इट इज नॉट रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, इट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000. ये जो 15,000 रिड्यूस हो गया, वो रिवैल्यूएशन से रिड्यूस ना करके हम इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिड्यूस कर देंगे. बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट आज इट इज मेंटेन्ड, क्योंकि ये मेंटेन किया जा रहा है, इसलिए इधर इससे माइनस होगा. अगर कुछ पैसे बचता तो उसको हम बांट, अगर ये 20,000 रुपए होता 15 की जगह पे, तो 5,000 को 2, तो नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो 15,000 था वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट हो गया, नथिंग टू डू विथ रिवैल्यूएशन. देन जो थर्ड वन है, आपके स्टॉक ना 5,000 रुपए घट गया. यू कैन रीड दिस द लास्ट वन. So this is the third point, the stock having, now the thing is that in this third order, aapke jo adjustment de rakha hai, the stock having a book value of 50,000 was depreciated by 10%. So revaluation ke debit side mein decrease in asset aayega. So revaluation account debited to stock account being decreased in the value of a stock debited to revaluation account. Ye 5,000 rupaye decrease ho gaya. तो डिक्रीज होता ही दिस इज अ लॉस, क्योंकि डेबिट साइड इज हैविंग हायर वैल्यू देन द क्रेडिट साइड. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस, और आपके जो सबसे पहला आइटम था दैट वाज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके 75,000 है एंड इट इज ए क्रेडिट बैलेंस. तो डेबिट योर क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 75,000, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में था तो इसको डेबिट कर देंगे, इट विल बी कैंसल्ड. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, डिक्रीज इन इनकम या प्रॉफिट इज डेबिटेड. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट इयर्स का कमाई है. तो टू हरीश कैपिटल अकाउंट, टू कुनाल्स कैपिटल अकाउंट, टू उमास कैपिटल अकाउंट. बींग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो मतलब 3:2:1 में 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नेक्स्ट होता है आपके
जो रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस था, ये देखो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक लिखने की वजह से 5,000 रुपए लॉस आ गया। तो लॉस रिवैल्यूएशन का इसका उल्टा एंट्री के साथ कंप्लीट होगा। इट विल बी हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो। इसका टोटलिंग होगा ऐसे, इट विल बी टोटल लाइक दिस, टोटल विल बी 1,90,000 1,90,000। दिस इज ऑल अबाउट, दिस विल बी द टोटल एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। अगर आपका आपको अच्छी तरह समझ में आया तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। कीप ऑन स्टडी।